Belgium. का स्वागत है। लॉकडाउन के चलते यूपी में फंसे उत्तराखंड के करीब 1000 लोगों को कल यूपी बॉर्डर पार कराकर उत्तराखंड में उनके नगर देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, नैनीताल आदि स्थानों पर बसों द्वारा भिजवाया। इस व्यवस्था में करीब 30 बसें लगी थीं। लॉकडाउन में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। ये लोग लॉकडाउन के चलते यूपी बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे थे, जिनको मंगलवार की सुबह बसों द्वारा उनके घरों के लिए रवाना किया गया। वहीं बसें जब यूपी के कस्बा अफजलगढ़ के कोतवाली क्षेत्र में पहुंची तो प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी के माध्यम से बसों को उत्तराखंड बॉर्डर के गांव रायपुरी तक छुड़वाया गया। उन्होंने बताया कि करीब 30 बसें कस्बे से होकर गुजरी हैं। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। ये आज चंडीगढ़ से अभी 16 बसेज आई हैं और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रही हैं सबके सब, और एवरेज सब में 25 से 30 सवारियां बैठी हैं टोटल। अब 16 बसों में अलग अलग एवरेज वही है सब, किसी में 27, किसी में 30, किसी में 28 ऐसे बैठी हैं। एक स्कूल बस है देहरादून से आ रही है और इसमें बच्चे जो वहाँ अभी लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे उनको लेके आए हैं।